लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मनसे नेता बाला साहब शिंदे ने माथाड़ी कामगारों को फ्री वैक्सीनेशन दिलाने की मांग की है। मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर को लिखित निवेदन देने के बाद बाला साहब शिंदे ने कहा कि नवम्बई और आसपास की मंडियों में 30,000 से 35,000 माथाड़ी कामगार काम करते हैं, जिन्हें फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दिए जाने और उनके फ्री वैक्सीनेशन की जरूरत है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही खेमों के नेता उन्हें हक दिलाने की बजाय सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि तमाम आंदोलनों के बावजूद माथाड़ी कामगारों को ना तो फ्री वैक्सीन मिल रही है और ना ही उन्हें बस ट्रेनों में यात्रा की छूट मिल रही है। बाला साहब शिंदे ने कहा कि यदि मनपा ने इस पर जल्द फैसला नहीं किया तो मन से तीव्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रदेश सह सचिव बाला साहब शिंदे ने माथाड़ी कामगारों को मुफ्त कोविड वैक्सीन देने की मांग की है। आज मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर को लिखित निवेदन देने के बाद बाला साहब शिंदे ने कहा कि आखिर जब माथाड़ी कामगार एपीएमसी में अति आवश्यक सेवाएं दे रहे हैं तब उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर क्यों नहीं घोषित किया जा रहा। मनसे के प्रदेश सह सचिव ने कहा कि कोरोना के कारण दर्जनों माथाड़ी जान गंवा चुके हैं, ऐसे में उनकी सुरक्षा बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोपरखेरने का माथाड़ी हॉस्पिटल ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है। सरकार और मनपा को चाहिए कि उसे अधिकृत करे और सुविधाएं दे ताकि सभी माथाड़ियों को मुफ्त में कोरोना का टीका लग सके। ये राजनीति और राजनीतिक षड्यंत्र है। कुछ नेता जो है वे विपक्ष में बैठे हैं, कुछ नेता सरकार में बैठे हैं, लेकिन वो माथाड़ी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। इसलिए हमने मुख्यमंत्री महोदय हो, आयुक्त साहब हो, कलेक्टर हो, सबको निवेदन दिया है कि आप जल्द से जल्द माथाड़ी लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करो और उसके ही साथ में आप माथाड़ी और माथाड़ी के जो परिवार है, करीबन थाना और रायगढ़ जिला में 32,000 माथाड़ी वर्कर जो है जो सालों से यहाँ पे लोगों की सेवा करते हैं और इसी समय में उनको कोविड की जो बाधा है वो ज़्यादा होने का संभावना है और हो भी रही है। ऐसे सिचुएशन में आप पूरे जितने भी माथाड़ी वर्कर है उनको माथाड़ी कामगार की जो हॉस्पिटल है, जो ट्रस्ट का हॉस्पिटल है, वहाँ पे वैक्सीन दिया जाए और माथाड़ी ट्रस्ट ने ये जो वैक्सीन है वो पूरे माथाड़ी परिवार कामगार और उनके परिवारों के लिए फ्री में दिया जाए, जिससे उनकी जिंदगी सफल हो। बताना जरूरी है कि थाने नवम्बई और रायगढ़ में कुल 30,000 से 35,000 माथाड़ी कामगार रहते हैं। बीते लॉकडाउन के समय से ही इन्हें फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा देने, बसों और लोकल ट्रेनों में यात्रा की छूट और बीमा सुरक्षा दिलाने की मांग चल रही है, लेकिन मामला जस का तस है। मनसे नेता ने कहा कि माथाड़ियों के नेता शशिकांत शिंदे जहां सत्तारूढ़ सरकार के साथ हैं, वहीं नरेंद्र पाटिल विपक्षी दल बीजेपी के साथ, इसके अलावा कांग्रेस और शिवसेना भी सत्ता में है, लेकिन किसी भी दल के नेता के मांग पर कोई पहल नहीं हो रही है, जो इस पर चल रही राजनीति का सबूत देता है। बाला साहब शिंदे ने चेतावनी दी कि यदि माथाड़ियों के हित में जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो मन से सड़क पर उतर कर आंदोलन करेगी। ये सारी राजनीतिक षड्यंत्र है। इसी राजनीतिक षड्यंत्र में माथाड़ी बांधव जो है वो घसीटा जा रहा है। इसलिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के तरफ से आज हम मांग की है और इसके बाद में हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी तो माथाड़ी बांधव के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रास्ते में उतर के कड़ा से कड़ा आंदोलन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।